हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी और बिहार की फेमस रेसिपी चने दाल की पूरी। इसे बनाने के लिए चने दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए भिगो दिया था। तो देखिए, ये अच्छे से फूल चुका है और अब हम इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, तो देखिए जितना मैं फिंगर पे बता रही हूँ उतना ही ऐड करिएगा। जितना दाल है उसके थोड़ा सा ही ऊपर तक पानी ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और कुकर का लिड लगा के 2 से 3 सीटी तक इसे कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। तब तक मसाले हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, लहसुन, लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, अदरक और मिर्च, इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे खूब ढेर सारी धनिया। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है हमारी पूड़ी का। इसे पीस लेंगे। तो कुकर देखिए अभी 3 विसल लग चुका है, तो अभी इसका एयर निकलने देंगे। एयर निकलने के बाद तो देखिए इस तरह से दाल हमारा पक चुका है। आप चाहे तो कुकर के जगह आप किसी पैन में इसे कुक कर सकते हैं, लेकिन कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से हम दाल को छान लेंगे और मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है और हमने जो मसाले रेडी किए थे उसे हम लो फ्लेम पे इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो करीब मैंने 1 मिनट के लिए भुना है लो फ्लेम पे ही। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपना पिसा हुआ दाल। दाल थोड़ा पतला हो गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे सुखा लेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे और चलाते रहेंगे। तो देखिए अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। अभी ये ठंडा होगा तो और भी ड्राई होगा और कड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें फीलिंग चाहिए, थोड़ा कड़ा चाहिए। आटा भी हमें थोड़ा कड़ा ही डो लगाना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उतना ही सख्त आटा चाहिए। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे लोइयाँ करके हम भर लेंगे। ये पूड़ी तवे पे भी बनती है और कुछ लोग इसे ऑयल में फ्राई करके भी बनाते हैं, तो मैं इसे ऑयल में फ्राई करके बनाऊंगी, उसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो आपको जैसा पसंद आए आप उस तरह से बना लीजिए। एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकाल देंगे, अब इसे रेडी कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म है, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से हीट हो चुका है। अब धीरे से हम अपनी पूड़ियाँ इसमें छोड़ देंगे। अगर बाय चांस आपकी पूड़ी फट जाती है भरते टाइम, तो आप उसे थोड़ा सा पतला बेल के तवे पे उसे सेक लीजिए, क्योंकि ऑयल में डालेंगे तो पूरा उसमें तेल तेल सा हो जाएगा। इसके साथ मैंने एक स्वीट रेसिपी भी बनाई है, गुड़ की बक्खी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूड़ी और गुड़ की बक्खी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, तो कितने अच्छे से फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं। बनाइए फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए और गुड़ की बखीर के साथ इंजॉय करिए।